असल मायनों में घंटा बजा दिया उसने पकड़ के आज, घंटा घंटा समझते हो किधर गया घंटा भाई, पकड़ के उस बंदे ने आज घंटा बजा दिया। इसे कहते हैं रियल में घंटा बजाना, इसे कहते हैं रियल में घंटा बजाना। 179 पे नॉट आउट खेल रहा है बंदा, 179 पे नॉट आउट खेल रहा है, पकड़ के बजा दिया उसने आज घंटे मेरे घंटे। बैटर्स आ रहे थे, बैटर्स गए, मगर जयसवाल ने कहा ना भाई ना, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। और 179 रन बनाकर जो है जयसवाल अभी भी जमे हुए हैं, टिके हुए हैं। और क्या है मतलब जयसवाल जो है वो जड़े लगाकर आए हैं कि पिच पे जड़े लगी रहेंगी और होंगे। सो यस, इंडिया 336 फॉर 6 एट द एंड ऑफ डे 1। जब जब ये खिलाड़ी सो करता है, ये उस सो को 150 के अंदर, लंबे सो के अंदर तब्दील करता है। अभी तक अगर मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल की, तो इसने पांच जिसको कहते हैं ना टेस्ट मैचेस खेले हैं, और तकरीबन 7-8 इनिंग्स होगी इसकी जिसने बल्लेबाजी की है। और उन इनिंग्स के अंदर इसने 2 सेंचुरीज मार दी हुई और 2 50 मार दी हुई। जो 2 सेंचुरीज मारी है, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के अंदर 171 की इनिंग्स खेली थी, शानदार किस्म का लंबा सो मारा था, उस टाइम भी 200 से अपना मिस किया था। और अब एक दिन के अंदर, पहले दिन के अंदर 177, एक दिन के अंदर 177 यशस्वी जायसवाल ने स्कोर किया एक दिन के अंदर। अभी मैं जयसवाल का देख रहा था, हार्टली को सबसे ज्यादा फेंटा इसने अपने 179 में, सबसे कम एंडरसन ने 41 बॉलों में सिर्फ 6 रन दिए जयसवाल को, 41 बॉलों में सिर्फ 6 रन, बाकी इसने सबको धो दिया। 2 रन ले गया, 60-100 कर गया बशीर, 2 आउट वो कर गया आउट, स्टैंडिंग बैटिंग पकड़ के छनकना घंटा सब बजा दिया उनका। बेन स्टोक्स से पूछना जाके कि आज किस बंदे ने आपकी बजाइया पकड़ के, वो एक ही बंदे का नाम लेगा, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। अकेला खड़ा रहा है पहली बॉल से लेके एंड तक, वो बंदा खड़ा रहा है। और उस बंदे ने इतनी खतरनाक किस्म की बैटिंग की है ना कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिकेट का सच्चा वाला फैन, चाहे वो पाकिस्तान में घंटे का फैन होगा ना, वो भी जयसवाल की तारीफ करेगा। क्योंकि हमारे बॉब्जी किंग ने भी कभी इस तरह की बैटिंग नहीं की, हमारे बॉब्जी दी घंटे ने भी इस तरह की कभी बैटिंग नहीं की। भाई जान दयासु तक कभी गए नहीं, उन्होंने तो कभी अपने पूरे कैरियर में इतने रन नहीं किए, भाई बता दो ना, कब बाबर आदम ने इस तरह टर्निंग ट्रैक के ऊपर आके एक इस तरह की सॉलिड इनिंग खेली हो जिसको देख के बंदा बोले हाँ जी अब मजा आया इसकी इनिंग देख के, हाँ जी अब मजा आया, हाँ जी अब पता चला घंटा, पता चला भाई कख पता पता नहीं चला, लेकिन जो बंदा वो बैटिंग कर गया ना आज, मजा आ गया, अल्लाह की कसम मजा आ गया। समीरा, जो कंडीशंस थी यशस्वी जायसवाल ने उसके साथ जस्टिफाई किया, उसको जो कंडीशंस के ऊपर होना चाहिए था उसने उसके साथ वही सलूक किया। कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं थी उस टीम के लिए जो कि टॉस हारेगी और पहले बॉलिंग करेगी, उसने बिल्कुल उनके साथ वही किया जो कि करना चाहिए था। खुशी होती है एक 22 साल के लड़के को देखते हुए जिसने छठा टेस्ट मैच अपना खेल रहा है, 20 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के ये टीम इंडिया के लिए इसने डेब्यू किया, डेब्यू पे 171 लगाया वेस्ट इंडीज के अंदर, आज अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर पे 177 के ऊपर डे को इख्तिताम कर रहा है। लेकिन दूसरे एंड से देख के बड़ा अफसोस हुआ, इस पूरी लाइनअप के अंदर आज 6 विकेटों के अंदर एक जयसवाल था और एक रजत पतिदार था जिसने थोड़ा सा चैलेंज पुटअप, जिन्होंने चैलेंज पुटअप किया। स्टार्ट सबको मिले, रोहित शर्मा को स्टार्ट मिला विकेट थ्रो की, शुभमन गिल को स्टार्ट मिला विकेट थ्रो की, श्रियस अय्यर की तो आज हॉरिफिक टेक्निक एक्सपोज हुई आज उसकी, आज जिस तरह से अपना तमाशा बनाया है जिमी एंडरसन के सामने, उसने भी अपना, चलो फिर आपको कुछ रन मिल गए 27 रन, एक अगली टेक्निक के चलते ही आपको एक स्टार्ट जरूर मिल गया, फाउंडेशन आपकी जरूर ले आउट हो गई, लेकिन आप विकेट फेंक के चले गए। उसके बाद रजत पतिदार वाज अ मोस्ट प्रॉमिसिंग बैटर देन यशस्वी जायसवाल, क्योंकि आज डेब्यू के ऊपर उसने बताया कि मैं 92 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आया हूं, ये मेरा 93rd फर्स्ट क्लास मैच है जो कि 29-30 साल की उम्र में मेरा टेस्ट डेब्यू हो रहा है। आज उसने जितनी भी इनिंग्स खेली सवेरा, जिस कमांड और जिस अथॉरिटी के साथ खेली, इट वाज सो हार्टनिंग टू वॉच। विराट कोहली रजत को बहुत रीसेंट टाइम से, पिछले 2 सालों में बहुत हाईली उसको रेट करता है, डोमेस्टिक के अंदर एक उसका बड़ा शोर है कि ही हैज बिकम अ वेरी गुड बैटर स्पेशली अगेंस्ट द स्पिन। और जिस तरह स्पिनर्स के सामने आज जिस कमांड के साथ कि एक बॉल अपनी तरफ आने दे रहा है, दूसरा बॉल फ्रंट फुट पे जाके डिफेंड कर रहा है, तीसरा बॉल बैक फुट पे आके कट शॉट मार के गैप्स निकल रहा है, सिंगल्स ले रहा है, डबल ले रहा है, बैक टू बैक चौके मार रहा है, अनलकी डिसमिसल था रजत पतिदार का, अगर वो यकीन आ रहा है कोई बंदा टेस्ट क्रिकेट के अंदर यहाँ पे रोल होके एक दिन के अंदर 100 होता है, इस बंदे ने एक दिन के अंदर 177 स्कोर करके रख दिया है। और जिस तरह से आज खेल रहे उसको पता था कि पिछली दफा मैं गलत अपनी गलती से आउट हुआ था 80 के ऊपर, इस दफा मुझे इसको लंबा लेके जाना, लंबा लेके गया, जहां पे बाकी फेल पे फेल हो जा रहे, सारे के सारे लड़के 20-30 करके आउट होके जा रहे, वहां पे जयसवाल अकेला 177 कर गया। इंडिया 329 पे 5,
पांच आउट। और मैं बड़ा कम ऐसा देखता हूं कि टेस्ट मैचेस के अंदर जब आखिरी ओवर चल रहे होते हैं तो जो टीम होती है ना वो कोशिश करती है कि हम जिसको कहते हैं ना बड़ी हिट ना मारे, हम तरीके से खेले, लेकिन ये इंडियन टीम जो है ना ये आखिरी ओवर में जाके छक्के मारने लग जाती है। आपको याद होगा वो जो इंडिया ने पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी 400 प्लस किया था, अक्षर पटेल ने आखिरी तीन बॉलों के ऊपर छक्का चौका चौका मार दिया था, और अभी भी अगर आप देखें तो आखिरी दो ओवर के अंदर दो छक्के तो मार दिए इंडिया ने। ये डरते ही नहीं है, इनको डर ही नहीं है कि आखिरी ओवर के अंदर आउट भी हो सकते हैं, हिट कर रहे हैं, केएस भारत ने भी छक्का मार दिया। लेकिन जायसवाल व्हाट अ प्लेयर यार, जब जब खेलता है लंबा स्कोर करता है, शानदार किस्म का खिलाड़ी है। मतलब कि आप ये देखें कि अभी इसको कितने मैचेस ने खेले हैं, बहुत कम मैचेस खेले हैं, दो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले हैं, दो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, और ये दूसरा इंग्लैंड के खिलाफ है, छठा टेस्ट मैच है सिर्फ और सिर्फ, और छह टेस्ट मैचेस के अंदर से इसकी जो इनिंग्स होगी वो भी मेरे ख्याल है 8-9 होंगी, उसके अंदर इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा दी है। एक होता है 100, उसको कहते हैं 100, 105, 110, एक होता है वंडरफुल 100 जो होता है 130, 140 और 150 वाला, और जो 150 से ऊपर का 100 आता है ना उसको कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल का 100 कहते हैं, बड़े खिलाड़ी की निशानी कहते हैं, मैच विनिंग 100 कहते होते हैं उसको, और जायसवाल ने मैच विनिंग 100 खेल दिया हुआ है। अब ये इंडिया मैच जिसको कहते हैं ना फेवरेट भी हो गया और जीतना भी चाहिए, जब ओली पॉप ने 196 मार तो सारे कह रहे थे ना ये मैच विनिंग 100 है, तो ये जायसवाल का भी मैच विनिंग 100 है। कितने अफसोस की बात है अगर इंडियंस देखें स्कून से सारे, अभी रवि शास्त्री भी गुस्सा कर रहा है और केविन पीटरसन तो कह रहा है ये 100% इंग्लैंड का दिन है, ये 500 होना चाहिए था, हम देखना कल कैसे तोड़ मोड़ देंगे इंडियन बॉलिंग को, देखना हम कैसे स्कोर करेंगे, अनलाइक अब, और यकीन करो गुस्सा आ रहा है, ईमानदारी से बताओ इसकी बात क्या सच रहा है, लेकिन एज ए मतलब एशियंस हमें तो सच्ची बात है वो चपेड़ मार रहा है, और चपेड़ का जो है ना मुंह पे यकीन करो दर्द महसूस हो रहा है कि वो मजे ले रहा है, इज मेकिंग फन, ये फन नहीं होता ना, ये बड़े तेज होते हैं, ये इस तरह की चुटकियां मारते हैं, हमें समझ नहीं आती। अब देखिए पहली 40, दूसरी 49, तीसरी रिजवान हैदर साहब सबसे बड़ी जो मैच की अभी तक इनिंग्स की है 90 रन की, अय्यर साहब द कॉलर वाली सरकार, उसके बाद देखिए 70 रन की पार्टनरशिप लगती है, और रजत पाटीदार साहब चले वो थोड़ा अनलकी रहा, बैट से खेला ग्लव से लगा अंदर चली गई, उसने समझा उसने पूरा कवर कर लिया, चले थोड़ा सा मार्जिन, इतना बाल दूर है अक्षर पटेल से, 52 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, और जनाब उसको बड़े सुकून से रेहान ने बशीर की बाल पे कैच किया, और फिर इतनी दूर बाल है भाई, पक्की 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 बैटिंग करके गया लड़का, पक्की बैटिंग करके गया, छाप छोड़ गया अपनी। आज मुझे इसकी वो भी इनिंग याद है डेब्यू में, उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक टफ पिच के ऊपर 171 बनाया था अपने डेब्यू में, और आज उसने वही कर दिखाया इंग्लैंड के अगेंस्ट एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर, जहां नई बॉल करने जो रूट आ गया, जहां स्पिनर 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 स्पिनर, एक स्पिनर आ रहा है तो दूसरा जा रहा है तो दूसरा आ रहा है तो तीसरा जा रहा है, आज आगे चक्कर में उस बंदे ने पकड़ के बजा दिया सबकी, उस बंदे ने पकड़ के सबका गड्ढा बजा दिया, इसे कहते हैं बैटिंग। इंडिया ने टोटल 337 को सिक्स किए हैं उस बंदे में, जो बात की है जो बंदे उसमें जो उस बंदे ने बैटिंग कर दिया ना, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट बैटिंग की है, या जसवीर जायसवाल ने उस बंदे ने पकड़ के सुझा दिया सबकी, उस बंदे ने पकड़ के जो है ना वो बता दिया सबको कि मैं अबू यंगस्टर्स का अबू जो भी इस दौर में यंग टैलेंट आ रहा है ना उनका मैं अबू, ये जो बेसबॉल बूजबॉल वाला चक्कर है ना ये आप पाकिस्तान में जाके जमाना, ये पाकिस्तान को 600 मार के फिर उनको 150 पे ऑल आउट कर देना, ये पाकिस्तान को 600 मार के उनको 100-150 पे ऑल आउट करके और टेस्ट मैच जीत लेना, ये इंडिया है। इधर देखो जायसवाल ने तो पॉजिटिविटी दिखाई है ना पहले टेस्ट मैच में भी, उस बंदे ने तो पहले टेस्ट मैच में भी अच्छी इनिंग की थी। दोस्तों इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट मैच, और 336 के ऊपर 6 विकेट है, फर्स्ट सेशन जो है वो समाप्त हो गया है, और एक ही प्लेयर चला है आज के टेस्ट मैच में, वो है यशस्वी जायसवाल, 179 का स्कोर किया है 257 बॉल्स के ऊपर, और बहुत ही शानदार पारी के लिए यशस्वी जायसवाल ने, बाकी गए जितने भी प्लेयर थे पूरा टॉप ऑर्डर कोई भी नहीं चला, कोई 30 पे 35 के ऊपर आउट हो गए, लेकिन अभी यशस्वी जायसवाल अकेला बंदा था जो कि फर्स्ट शुरुआत से लेकर लास्ट तक वो डटा रहा, और उन्होंने जो है 179 का हाईएस्ट स्कोर किया है अपने करियर का, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है इस टेस्ट में। हालांकि फर्स्ट जो टेस्ट था उसके अंदर इंडिया हार गई थी 28 रन से, लेकिन अब भी शायद हो सकता है कि इंडिया जो है 400 की पार इस मैच को ले जाए, और हो सकता है यशस्वी जायसवाल इसमें 200 का स्कोर भी कर दे, क्योंकि अभी फिलहाल 6 विकेट ही हुई है, यानी 4 विकेट अभी बची हुई है, तो देखना यह है सेकंड सेशन में क्या कुछ होता है, इंडिया कितना और आगे स्कोर कर पाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना, तो अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।